सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? गगन। गगन जी, आपका मोबाइल नंबर क्या होगा? 8901066912। ओके, आप कहाँ रहते हैं? सीकरी। ये कहाँ पड़ता है? बल्लभगढ़ से आगे, फरीदाबाद। बल्लभगढ़ से आगे, बल्लभगढ़ फरीदाबाद। ओके, ये वाहन किसका है? मेरा ही है जी। कौन सा वाहन है? आपे वाटर कूलेंट। ओके, ये जो वाहन है, इससे पहले कुछ और गाड़ी चलाते थे? हाँ जी, चलाई थी। कौन सी? वहाँ पे ही थी जी, डीजल में। डीजल में, तो ये गाड़ी लेने का विचार कैसे बना आपका? विचार था, एक तो ये गाड़ी हीट नहीं होगी, गरम होगी नहीं, ये कूलेंट का सिस्टम है, बहुत बढ़िया चलती है। अच्छा, तो कितना वजन ढोते हैं आप इस गाड़ी में? 8-10 सवारी ढो लेता हूँ, 10-11-12। तो मैंने तो देखा है कि फरीदाबाद के अंदर काफ़ी फ्लाईओवर्स हैं, लंबी सड़कें हैं, तो यहाँ पर गाड़ी को फ्लाईओवर में चढ़ने में इतने वजन में कोई दिक्कत होती है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी आती है। आप एक डीजल की तरह ही चलती है? डीजल चलती है। पिकअप कैसा है? पिकअप बढ़िया, डीजल की तरह। अच्छा पिकअप है इसका। अच्छा, ओके। आपका किस रूट पर आप गाड़ी चलाते हैं? मैं चलाता हूँ बल्लभगढ़ से पलवल। कितना एक तरफ का चक्कर कितना किलोमीटर होगा? 24 किलोमीटर एक तरफ से, आना जाना 48। 48 किलोमीटर, तो दिन में कितना किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं आप? मैं एक आध चक्कर पलवल का मार लेता हूँ और बाकी की सीकरी चलाता हूँ। तो पूरे दिन में कितने किलोमीटर की रनिंग है? पूरे दिन में चला लेता हूँ 200-250 किलोमीटर। 200-250 किलोमीटर गाड़ी चलती है। तो ये गाड़ी इतना ज़्यादा लंबा दूरी तय करने में आपको कोई थकान वगैरह कोई परेशानी? मेरे को कोई परेशानी, बहुत अच्छी गाड़ी लगी। अच्छी गाड़ी लगी है। ओके, इस गाड़ी में सीएनजी में आपको एवरेज कितना मिल जाता है? एवरेज तो मैंने नापी नहीं है, पर जैसा परिसर आएगा वही हिसाब से गैस आएगी इसमें, फिर भी 160-170 चल जाती है। चल जाती है? हाँ, 160 किलोमीटर। कितना किलो गैस भराते हैं? 200 की भी आ जाती है, 250 की भी आती है। वजन में, वजन में बताइए। 4-5 किलो ऐसा परिसर। तो ये तो 40 का एवरेज होगा आपका? हाँ, 40 की जो भी, 35 जो भी होगी। 35 की एवरेज ना, नापित नहीं है। ठीक है, ओके।